अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वज़राए आला के बढ़ते हुए मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। ट्रूडो का कहना है कि मेरा काम मकबूल होना नहीं है, अगरचे इससे मदद मिलती है, मेरा काम अब कैनेडा के लिए सही काम करना है। कैनेडा का आलमी कशीदगी के दरमियान आर्किटेक के दिफा की सलाहियत का मुजाहरा। माहिरीन का कहना है कि ऑपरेशन आर्किटेक रद्द अमल की सलाहियत को उजागर करता कैनेडा अब भी कमज़ोर है। टोरंटो में 13 मिलियन डॉलर मालियात की मंशियात जब्त, 9 गिरफ्तार। ओपीपी का कहना है कि गिरफ्तार अफराद को 44 इल्ज़ामात का सामना है। इस प्रोजेक्ट क्रेनियम 2023 के मौसम खिजा में शुरू हुआ। टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला अमेरिका के गले पड़ेगा, चीन की वार्निंग। टिकटॉक से मुतालिक बिल अब सेनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बिल में चीनी कंपनी बाइटडांस को 6 माह में अपने मफादात बेचने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जारी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canadian وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے وزرائے اعلی کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वज़राए आला के बढ़ते हुए मुतालबात को मुस्तरद कर दिया कि 1 अप्रैल को सार्फीन के कार्बन लीवी में इजाफे के मनसूबा बंद इजाफे को रोक दिया जाए और कहा कि रहनुमाओं को महंगाई और मौसमियाती तब्दीली दोनों से निमटना चाहिए। ट्रूडो का कहना था कि मेरा काम मकबूल होना नहीं है, अगरचे इससे मदद मिलती है, मेरा काम अब कैनेडा के लिए सही काम करना है और अब से कैनेडियन की एक नस्ल के लिए सही चीज़ें करना है। अल्बर्टा की प्रीमियर स्मिथ ने और 6 दीगर वज़रा आला ने ट्रूडो से मुतालबा किया है कि वो 23% इजाफे को तर्क कर दें ताकि पहले ही घरेलू बजट से निमट रहे कैनेडियनों की मदद की जा सके। ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत के लिए मौसमियाती तब्दीलियों पर कार्रवाई को रोकना आसान है ताकि ये उनके अहदे पर रहते हुए मसला ना हो। स्मिथ ने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि अगर वो कार्बन टैक्स के खिलाफ बढ़ती हुई कॉलों को सुने और टैक्स में इजाफे के अपने फैसले को वापस ले लें तो वो जीत हासिल कर सकते हैं। ट्रूडो ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं कि जिनके पास अपने कार्बन फुटप्रिंट को मायनी खेज तौर पर सुकड़ने के जराए नहीं हैं, उन्हें सज़ा नहीं दी जाए। कैनेडा की जानिब से आलमी कशीदगी के दरमियान आर्किटेक के दिफा की सलाहियत का मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से आलमी कशीदगी के दरमियान आर्किटेक के दिफा की सलाहियत का मुजाहरा किया जा रहा है। रेजोलूट बे के मेस हॉल में जमा फौजी अहलकारों के एक ग्रुप से बात करते हुए नोनावत तरबियती सहूलत के चीफ वारंट ऑफिसर टेरेंस वेलानियोक ने कनाडा के आर्किटेक को दरपेश सूरत हाल को दो टोक अल्फाज में बयान किया। वेलानियोक ने कहा कि खतरात बर्फ़ के नीचे, बर्फ पर, बर्फ के ऊपर और खला में हैं। खतरात मौजूद हैं और वो हकीकी हैं। जब आप दुनिया पर एक नज़र डालते हैं तो ये सिर्फ वक्त की बात है। इससे पहले कि आलमी सतह पर कोई चीज़ भड़क उठे, ना सिर्फ यूरोप में, ना इंडो पैसिफिक में, बल्कि शुमाल में भी। ये तकरीर ऑपरेशन नॉनिक नॉनविलिट के हिस्से के तौर पर हाई आर्किटेक में वाकया फौजी तरबियती मरकज़ के दौरे के दौरान हुई। इसके दौरान उन्होंने कनाडा के शुमाल की तरतीब को बयान किया, जो तकरीबन 1,30,000 की आबादी के साथ बर आज़म यूरोप के साइज के बारे में ज़मीन का एक प्लाट है। शुमाल मगरबी गुजरगाह एक अहम आबी गुजरगाह जो मुतादिद बर आज़मों को जोड़ती है, गैर मुल्की मफादात को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है
और तजारती ट्रैफिक के लिए तेज रफ्तारी से खुलती है। और एक पेचीदा खत्ता जिसका दर्जा हरारत -50 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गिर सकता है। ऑपरेशन में तरबियती मशकें शामिल हैं जैसे मुश्तरका तवील फासले तक गश्त, किफायत शुआरी और बर्फ से नीचे गोताखोरी। इसमें ज्यादातर कैनेडियन मुसल्ला फौज के अहलकार शामिल हैं, लेकिन इसमें अमरीका, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के तकरीबन 50 अरकान भी शामिल हैं। वेलानियुक ने हुजूम को बताया कि अभी मुश्किल वक्त है और ये ऑपरेशन पहले से कहीं ज्यादा अहम है। ख्याल यह है कि जंग के लिए तरबियत दी जाए और जंग लड़ने के लिए तैयार रहे। तरबियती कार्रवाइयां खास तौर पर कशीदा दौर में होती हैं। रूस यूक्रेन के साथ जंग में है और चीन का कहना है कि यह करीब आर्कटिक मुल्क है। ये मुस्तकबिल के तनाज़े का जरिया भी हो सकता है क्योंकि इत्तेहादियों समेत तमाम ममालिक इसे कनाडा के पानी के तौर पर तस्लीम नहीं करते हैं। ओंटेरियो प्रोविंशियल पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 13 मिलियन डॉलर की मंशियात जब्त कर ली है, जबकि 9 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटेरियो प्रोविंशियल पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 13 मिलियन डॉलर की मंशियात जब्त कर ली है, जबकि 9 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बैरी में 2 मुश्तबा मंशियात फरोशों की निगरानी बिलआखिर ओंटेरियो की सूबाई पुलिस को एक जदीद तरीन मुजरमाना नेटवर्क की तरफ ले गई जो करोड़ों डॉलर मालियत की क्रिस्टल मिथ और कोकेन मुंतकिल कर रहा था। तफ्तीशकारों का कहना है कि प्रोजेक्ट क्रीनियम 2023 के मौसम खजा में शुरू हुआ जब पुलिस को बैरी में 2 अफराद के मंशियात का कारोबार करने का इल्म हुआ। OPP की एक रिलीज में कहा गया है कि मजीद तफ्तीश से ये बात सामने आई कि ग्रेटर टोरंटो एरिया काउंटी और डरहम रीजन से एक जदीद तरीन मुजरमाना नेटवर्क काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि मंशियात एक फराहम कुनंदा से खरीदी जा रही थी और निचले दर्जे के डीलर्स तक पहुंच गई। पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें कुल 44 इल्जामात का सामना है। चीन ने खबरदार किया है कि टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला अमेरिका के गले पड़ेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन ने खबरदार किया है कि टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला अमेरिका के गले पड़ेगा। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने अमरीकी हुकूमत को टिकटॉक को दबाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अमरीका को इस ऐप से कौमी सलामती के खतरात का कोई सबूत नहीं मिला। तर्जुमान का मजीद कहना था कि ऐसे हथकंडों से मुनसिफाना मुकाबलों में नहीं जीता जा सकता। ऐसे इकदाम से कारोबारी सरगर्मियों पर असर पड़ता है और बैन अवी सरमाकारों के अतमाद को ठेस पहुँचती है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर मुमकिन पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। बिल में चीनी कंपनी बाइट डांस को 6 माह में अपने मफादात बेचने की हिदायत की गई और ऐसा ना करने की सूरत में टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने की वार्निंग दी गई है। बिल भारी अक्सरियत से मंजूर किया गया। टिकटॉक पर पाबंदी का बिल सेनेट से मंजूरी और अमरीकी सदर के दस्तखत करने के बाद बाकायदा कानून बन जाएगा। फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान निमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।